मंगलमयी रैन है, मांगना माँ सुख चैन है, दर्श की भूखे लैन है, मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ, फूलों से घर, ये रही मनीषा, फूलों से घर सजा लिया, चंदन से महका लिया, तेरा ध्यान लगा लिया, करो मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ। चश्मे वाली हूँ लक्ष्मी माँ। जब तक देविया हंसेगी, हंसेंगी नहीं लक्ष्मी कैसे आएगी, इसलिए शुरुआत हंसने के साथ। वेलकम टू माय ब्लॉग दोस्तों, और ये चल रही है वैभव लक्ष्मी की पूजा, और आज हम सभी सहेलियों ने वैभव लक्ष्मी की पूजा का उद्यापन किया, और मेरी दीदी जो हैं सविता दीदी, उनके यहाँ पर ये उद्यापन और पूजा थी। और वैभव लक्ष्मी की जो पूजा है बड़ी ही सफल पूजा है, और इसके व्रत जो होते हैं वो 11 व्रत कर को मिलाते हैं विजय लक्ष्मी जी से। इनका नाम विजय लक्ष्मी भी है, और ये कितने वैभव लक्ष्मी के व्रत कर चुकी हैं? 8-10 बार कर चुकी हैं। 8-10 बार मतलब कितने कितने व्रत? 11 होते हैं। अच्छा, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई? मनोकामना होने के बाद ही पूरी है। अरे वाह, वेरी गुड। तो मनोकामना यदि पूर्ण करनी है तो वैभव लक्ष्मी जी का व्रत जरूर करें। और ये कहती हैं लक्ष्मी जी, आपने भी किया व्रत? अच्छा, कुछ इरादा है इस तरह का आगे फ्यूचर में? हाँ, ये भी ठीक है, तो फिर आप और मैं पक्के जोड़ीदार हैं, क्योंकि हमारे साथ भी यही है। सुनीता ने किया वैभव लक्ष्मी का व्रत? नहीं किया, लेकिन माता रानी का करते हैं हर साल। अच्छा, आपने किया वैभव लक्ष्मी का व्रत? नहीं, मैंने भी नहीं किया। चलो हम सब साथी हैं, हम लोग एक फिल्म बनाएंगे, हम साथ साथ हैं। मनीषा ने किया? हाँ, मैंने तो किया। कितने व्रत किए? मैंने 5-6 बार किए। 5-6 बार किया, एक बार भी मुझे खीर नहीं खिलाई। जा रे जा हर जाई, तूने ये बात ना बताई, और मुझे एक बार भी खीर ना खिलाई। भाभी तब हम यहाँ रहते ही नहीं थे। ठीक है, अब तू ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नहीं किया कभी। आपने किया व्रत? कितना? एक बार किया और शादी हो गई। वाह यार, तब तो फिर आपके हस्बैंड को देखना बनता है। और जीजी तो कर ही रही है। इस पूजा में पूजा को विधि विधान से करना चाहिए। इस पूजा में यदि आप भूखे नहीं रह सकते हैं तो आप फलार वगैरह भी कर सकते हैं, और शाम के टाइम आप पूजा करते समय इसमें खीर या हलवे का भोग लगाते हैं, माता रानी को जासूस का फूल चढ़ाते हैं और आरती गाते हैं। इस पूजा के जो हम लोग उद्यापन करते हैं, तो उद्यापन में हमें 11 महिलाओं को बुलाना होता है, और 11 सुहागन महिलाओं को बुलाकर हम भोजन कराते हैं। भोजन में हम लोग खीर बनाते हैं, छोले बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, और सभी महिलाओं को पेट भर के भोजन कराते हैं। यह भोजन जो है वो शाम को 5 से 7 बजे के बीच ही कराना होता है, क्योंकि संध्या काल की पूजा है, और इस पूजन में जो महिलाएं भोजन करती हैं फिर उसके बाद उनको जाते समय सुहाग का सामान देते हैं। इसके लिए आप उनको ब्लाउज़ पीस, रुमाल, साड़ी, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, नाखून पॉलिश और मेहंदी, ऐसी चीज़ें दे सकते हैं। और इसके अलावा में इस पूजा में सभी महिलाएं मिलकर प्रार्थना करती हैं भगवान से कि आपका अटल सुहाग रहे और आपकी सभी मनोकामनाएँ